हेलो दोस्तों, प्राइमेक शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एलजी का ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो फ्रिज है, ये वो फ्रिज है। और यहाँ पे दोस्तों फ्रीजर में चाकू लगने से क्या हुआ है, यहाँ पे पानी वगैरह आ गया है, कंप्रेसर में भी पानी आ गया है, इस कंडेंसर में भी पानी आ गया है, सब पूरे सिस्टम में हमारे पानी आ चुका है। कुछ यहाँ पे जो है पानी आने के बाद यहाँ पे पूरा चोक हो गया, और हमने जो है कंप्रेसर को चेक किया है तो बिल्कुल ठीक है। जो इसका कार्ड था वो ख़राब निकला, उसके लोड के जाने के कारण, पानी की नमी जाने के कारण जो है हमारा ये कार्ड ख़राब हो गया था। तो किसी मैकेनिक से उठ के आया है ये मेरे पास। तो यहाँ पे जो है मैंने कंप्रेसर को आइडेंटिफाई कर लिया है, मैंने चेक कर लिया है, मेरे पास जिग भी है और साथ में इस कार्ड से भी ये कंप्रेसर जो है मेरा चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई हूँ। तो अब मेरे को करना क्या है, इसका तेल चेंज करना है। तो तेल किस तरीके से चेंज करना होता है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, आपके साथ भी ये केस आ सकता है, और अधिकतर ये केस आते हैं चाकू लगने से क्या होता है, पानी चला जाता है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है तेल चेंज करने का। उसके बाद दोस्तों तेल चेंज करने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा निकला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ पे भी जो है बहुत ज़्यादा कचरा निकला था पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का हमारा कचरा निकला है, मतलब पानी जो है बहुत बुरी तरीके से अंदर जा चुका है। और साथ में दोस्तों किस तरीके से इसको पाइप को साफ़ करना है, इस फ्लैशिंग कैन से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, इसमें फ्लैशिंग वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा, और यहाँ पे किस तरीके से इस पाइप को साफ़ करते हैं। क्योंकि होता क्या है, इसका हमें ज़रूरी होता है फ्लैशिंग करना, क्योंकि अगर हम इसका कंडेंसर चेंज करते हैं तो इसके आप देखेंगे अंदर भी है, इसके साइड में जो है अंदर इसके अंडरग्राउंड भी पाइप है और बाहर भी पाइप है। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो आप जो है इसका पाइप जो है आप देखेंगे तो बाहर से ही कंडेंसर लगा सकते हैं हम, लेकिन अंदर से नहीं लगा सकते हैं। तो उससे अच्छा बेहतर यही है कि हमारा डाटा पूरा ख़राब ना हो, क्योंकि ये एलजी का फ्रिज है और यहाँ पे ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, कोई सा भी सैमसंग भी आपके पास हो सकता है। तो ये होता क्या है, अगर आप इसमें कंडेंसर चेंज कर देंगे तो अगर इसके ज़रा से भी एम्पियर, ये आप देख रहे हैं पीसीबी में, ज़रा से भी एम्पियर कम या ज़्यादा हुए तो ये हमारा कट मारने लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप इसका डाटा बिल्कुल भी ना छेड़ें, इसी की सफाई करें, इसी की जो हमारी गंदगी है इसको साफ़ कर दें, और यही आप इसको लगा रहने दें और चेंज ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर हमारे ज़रा से भी एम्पियर इधर उधर हुए तो आपका काम नहीं करेगा, बार बार आपको ट्रिप मारने लगेगा। तो मैं इसी की फ्लैशिंग करूँगा। सबसे पहला काम हमारा है इसका तेल चेंज करके, और इसमें जो है दूसरा हमें तेल चेंज करना है। अब किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपने देखा ये भी दोनों हमने पाइप यहाँ पे काट लिए हैं। जो हमारा ये वाला पाइप है, कंडेंसर का पाइप है, इसको भी हम काट लेते हैं, कंप्रेसर हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड मैं जो पाइप को इसको निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों गैस बत्ती से, आप चाहें तो ट्यूब कटर से भी काट के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड मैंने कंप्रेसर निकाल लिया है और इसका तेल मैं निकालने जा रहा हूँ। देखो इसमें इस तरीके से तेल निकला, बहुत ही काला तेल निकल रहा है, और इसमें जो है इस तरीके से मैं तेल निकाल रहा हूँ, इस तरीके से आपको निकालना है, और इसमें तेल भी मेरे हिसाब से बहुत कम बचा हुआ होगा, ये इस तरीके से आपको तेल निकाल लेना है। यहाँ पे फ्रेंड इसका सारा तेल निकालने के बाद सिर्फ इतना सा तेल यहाँ पे निकला है, जो कि जब पानी जाता है तो यहाँ पे मिक्स होके वो तेल ऊपर ऊपर चढ़ जाता है और सारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर जो तेल है निकला है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना काला तेल हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसका तेल आपको बताऊँगा कितना इसमें तेल डलता है R600 में, और हमारा ये इन्वर्टर कंप्रेसर में कितना तेल डलता है सिंगल डोर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको काला काला दिख रहा होगा, बहुत ही गंदा तेल ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे न्यू तेल डाल रहा हूँ, वो क्या प्रोसेस होता है नया तेल डालने का, वो भी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे फ्रेंड जो मेरा तेल था काला, वो मैंने फेंक दिया है, और यहाँ पर मैंने R600 का जो तेल है, जो ये वाला तेल है R600 का, मैंने यहाँ पर तेल जो है इसमें कर लिया है। और कितना यहाँ पे तेल है आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 140 या 150 या 130 से और 150 के ईच बीच में यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 140 ग्राम यहाँ पे तेल लिया है, और 140 ग्राम जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो कंप्रेसर आया है, तो 130 से 150 के ईच बीच में निकलता है। तो यहाँ पे एक हमने आइडिया लगाया है दूसरे कंप्रेसर में, नए कंप्रेसर में से तेल निकालने के बाद, तो यहाँ पे 130 ग्राम यहाँ पे निकला है, तो हमने जो है उसका 140 या 150 आप कर सकते हैं। यहाँ पे 150 ग्राम आप तेल यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर R600 का है, और यहाँ पर जो गंदगी निकली है, तो उससे पहले डालने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल इसमें डालूंगा और इसको खंगालूंगा, मतलब कि जो इसके अंदर गंदगी है फिर से मैं इसको फेंक दूंगा इसका तेल, मतलब कि थोड़ा सा तेल करीब 50 ग्राम इसके अंदर डालूंगा, फिर इसको उल्टा सीधा करूंगा और वो निकाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ये तुला हुआ है तो इसको मैं एक तरफ रखता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं तेल जो है यहाँ पर अलग से डालता हूँ, यहाँ पर
ये मैंने एक जो आपका एक्स्ट्रा वगैरह होता है, जो हम एक्स्ट्रा होता है उसका आप इस तरीके से आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से डाल के और यहाँ पे तेल थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इस तरीके से डालेंगे। थोड़ा सा आपको करीब 50 ग्राम के करीब में यहाँ पे आपको तेल डालना है, और बहुत ही आराम से यहाँ पे तेल हमारा अंदर की साइड में चला जाता है। ये आप देखें तो यहाँ पे तेल जो है हमारा 50 ग्राम के करीब यहाँ पे जा चुका है, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तेल जो है हमारा सारा जा चुका है। और जाने के बाद जो है इसको हल्का सा थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे करने के बाद होगा क्या, जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा, जो भी इसके अंदर गंदगी होगी, वो फिर से जब आप डाल के तेल थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे तो गंदगी वगैरह सब निकल जाती है। तो चलिए वो भी प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको खंगाल लिया है, अच्छी तरीके से मैंने इसको खंगाल लिया है। खंगालने के बाद दोस्तों इस पर आप टॉर्च लेंगे, जो भी आप टॉर्च यूज़ करते हैं, और इस पर जो है इस तरीके से आप इसको हीट देंगे, हीट देंगे नीचे से ऊपर से चारों तरफ इसको आप गर्म करेंगे। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जो इसके अंदर मॉइस्चर चला गया है, पानी का जो मॉइस्चर चला गया है, तो वो क्या होगा, वो एक गर्म होके भाप बन के वो इन पाइपों से निकल जाएगा। उसके बाद जो है आप तेल डाल के इसको खंगाल सकते हैं, या पहले भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, या तेल डाल के खंगालने के बाद भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप हीट देंगे तो हीट देने के बाद क्या होगा, जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है, तो वो भाप बन के हमारा उड़ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये तेल था 150 ग्राम के करीब, ये मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, तो इसी से डालूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं तेल इस तरीके से, मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके ये तेल जो है अंदर चला जाएगा, और आपको ध्यान रखना है कि जो आप तेल डालें तो बहुत ही आराम आराम के साथ में यहाँ पे तेल डालते रहें, और आराम के साथ में वो नीचे चला जाएगा, कंप्रेशन में चला जाएगा। ये आप देखें ये फ्रेंड, मैंने यहाँ पे तेल जो है यहाँ पे डाल दिया है, और धीरे धीरे करके नीचे की साइड में तेल जा रहा है। ये फ्रेंड तेल हमारा जा चुका है, बस कुछ ही देर में यहाँ से तेल जो है सारा अंदर पहुँच जाएगा। और पहुँचने के बाद बहुत ही आसान ये तरीका है तेल डालने का। ये देखें फ्रेंड, हमारा तेल जो है सारा अंदर जा चुका है, हमारा काम यहाँ पे तेल का प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसको आप जो है किसी भी फ्रिज में, आप एलजी के सिंगल डोर में कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान ये उपाय है। और जब भी आपका ये कंप्रेशर में कभी भी तेल वगैरह में आपका मॉइस्चर मिलता है, मतलब पानी मिलता है, या फ्रिज में चाकू लगता है, तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में तेल आप ज़रूर चेंज कर दें। अगर तेल आपने चेंज नहीं किया तो उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर आया पानी का, तो आपका वो R600 गैस को चोक कर देगा, और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा कम्प्लीटली हमने यहाँ पे तेल वगैरह चेंज कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों आप LG, सैमसंग, गोदरेज, जो भी आपका फ्रिज मिलता है आपको इस तरीके से, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप यहाँ पर तेल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बताऊँगा दोस्तों इस कंडेंसर की फ्लेशिंग हम किस तरीके से करते हैं, क्या उससे फ़र्क पड़ता है फ्लेशिंग करने से, और क्या अच्छा रहता है फ्लेशिंग करने से, और हम कंडेंसर क्यों ना बदलें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में। स्टेम जो दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी है, उसमें आप अगर कंडेंसर को चेंज नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात है, और मजबूरी आपकी पड़ती है तो कर भी सकते हैं आप, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसका कंडेंसर चेंज ना करें, इसकी फ्लेशिंग ही करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज तेल चेंज किया है इस तरीके, और दोस्तों बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक्स चैनल पर। दोस्तों नई से नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।